राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस की उम्मीद है कि पिछली बार की तरह इस बार भी पार्टी कमाल कर सत्ता में वापसी करेगी, लेकिन इसके आसार बढ़ने की जगह कम होते जा रहे हैं। वजह है कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई, जो सचिन पायलट के अनशन के ऐलान के बाद एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। सचिन पायलट अपनी ही सरकार पर और अपने ही सीएम पर भ्रष्टाचार को दबाने और उस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगा रहे हैं। चुनाव से अचानक पहले सचिन पायलट के इस बगावती सुर ने कांग्रेस पार्टी को अपने वो पुराने दिन याद दिला दिए, जिसकी वजह से पंजाब में अच्छी खासी सत्ता कांग्रेस के हाथ से निकल गई थी। सियासी गलियारों में चर्चा क्यों हो रही है, अब इसकी वजह भी जान लीजिए। राजस्थान से लेकर पंजाब तक ये चर्चा तेज हो गई है कि पायलट सिद्धू की राह पर चल पड़े। सचिन के दाव को पंजाब के नवजोत सिंह सिद्धू प्रकरण से जोड़कर इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि राजस्थान में भी चुनाव से पहले पंजाब वाला हाल बनता दिख रहा है। दरअसल सिद्धू के बागी तेवरों से चुनाव के एन पहले पंजाब कांग्रेस में बड़ी टूट फूट हुई। कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन चन्नी पर चुनावी वादे लागू नहीं करना और बेअदबी मामले और उसी से जुड़े अधिकारियों को बीजेपी बनाने के मामले में कार्रवाई नहीं होने पर सिद्धू ने उनकी टांग खींचनी शुरू कर दी। फरवरी 2022 में जब पंजाब विधानसभा के लिए चुनाव हुए तो राज्य में कांग्रेस की विदाई हो गई और अब वहां नई आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। अब बिल्कुल इसी अंदाज में सचिन पायलट भी सिद्धू की तरह ही अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि सचिन पायलट राहुल और प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे नवजोत सिंह सिद्धू राहुल और प्रियंका के करीबी माने जाते रहे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव अब सिर्फ 8 महीने दूर है और अगर ये मोर्चा बगावत का रूप ले लेता है तो राजस्थान की राजनीति में कई और मोड़ और विकल्प सामने आ सकते हैं। खैर ये वक्त ही बताएगा कि राजस्थान की सियासत कौन सी करवट ले, लेकिन इतना तय है कि अशोक गहलोत से पंगा लेकर कांग्रेस में सचिन पायलट का सफर आसान नहीं होने वाला।